हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आई आई बी कंटेंट शॉर्ट्स टूडे बेटा वी विल डिस्कस चैप्टर एंड राइट सो इन चैप्टर से नीट में बेटा बेसिकली मिनिमम दो क्वेश्चन का चांस है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर है एप्टिकल आइसोमेरिज्म का थेटिकल क्वेश्चन भी आता है एंड एस एन वन एस एन टू का सब बेसिक इधर ही मिलता है बेटा एलिमिनेशन का भी बेसिक इधर ही मिलता है सो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर्स में ज्यादा यूज है अल्कॉल फीनॉल ईथर एंड कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे अमाइंस में भी सो वी आर गोइंग टू लर्न हेलो एंड हेलो एर वेरी बेसिक चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ट्वेल्थ क्लास ओके ना बेटा चलो तो इसमें बेसिकली क्या है राइट सो वेन यू गो थ्रू दी चैप्टर बेसिकली फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ हेलो एंड हेलो ऑलकेरस पे बेटा एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक क्वेश्चन भी आ सकते हैं प्रिपरेशन बेसिस ओके ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन बेसिस क्वेश्चन है सो फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ हेलो हैलो को हम डिस्कस करते हैं बेटा सो प्रिपरेशन ऑफ हेलो प्रिपरेशन ऑफ हेलो ऑलके तो लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन दिया दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से लास्ट ईयर 2020 पे 2022 पे तो व्हाट इज दैट फ्रॉम अल्कोहल्स फ्रॉम अल्कोहल्स बट एनसीईआरटी लेवल पे ध्यान ध्यान करो फोकस करो इजीली मिलता है बेटा इससे क्वेश्चंस तो फ्रॉम अल्कोहल हाउ टू प्रिपेयर हेलो अल्केन्स राइट सो अल्कोहल का बेसिक फार्मूला क्या बेटा आर तो so, ये अल्कोहल यूज करके हम हेलो ऑल्केन्स को प्रिपेयर करना है तो आप क्या कर सकते रिएक्शन विद रिएक्शन विद एच मतलब एनी हाइड्रो हाइलाइट एच सी एल से रिएक्ट कर सकते तभी क्या होगा वो एच रिप्लेसड बाय हेलोजन दूसरा आप पी सी एल थ्री एंड एज वेल एज थायोनाइल क्लोराइड से भी रिएक्ट कर सकते तो सभी का केस कॉन्सेप्ट एक ही है क्या फॉलो करता है कैसे डिसाइड करना है लास्ट ईयर क्वेश्चन क्या है इसमें वो भी हम स्टडी करते हैं बेटा ओके अब देख लो तो वेन वी डिस्कस फर्स्ट रिएक्शन विथ एच एक्स सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ए, ए लास्ट ईयर क्वेश्चन बेटा नीट ट्वेंटी टू का क्वेश्चन है यह वाला रिएक्शन विद एच एक्स सो एच एक्स मतलब बेसिकली क्या है एच आई एच बी आर एंड सी एल तो इन इन तीनों में विच इज मोर रियक्टेड एच आई इज मोर रियक्टेड बी आर दट ऑफ एच सी एल बेस दॉन्ड एनर्जी राइट चलो अभी सर, डिस्कस एच सी एच सी एल रिएक्टिविटी वेरी लेस तो जनरली वेन यू रिएक्ट विद एच सी एल डायरेक्ट रिएक्शन रिएबल ही नहीं होते कंपलसरी कुछ कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट है सो वेन यू रिएक्ट विद एच सी एल वी नीड टू यूज एक कैटलिस्ट है बेटा दैट इज एनाट ट्वेंटी ट्वेंटी टू का क्वेश्चन है तो विध एच सी एल हमेशा हम जेडेंसियलटू को क्यों यूज करते सिंस एच सी एल इज लेस रिएक्टिव एज पर रिएक्टिविटी तो हम ल्यूकास रिएजेंट यूज करके ही करना है पड़ेगा ये ल्यूकास रिएजेंट राइट हाउ रिएक्टेड विद का का रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी क्या क्या होगा इस में, क्या होगा? इसमें देखो कार्बन टूच बॉन्ड हम ब्रेक कर रहा है तो बेस्ड ऑन दैट विच कार्बन टू ओ एच बॉन्ड इज मोर पोलर टर्शरी देखो ये जो बॉन्ड है इधर हाईली हाईली पोलर बेटा

सी एच थ्री सी एच टू ओच इच सी एल डायरेक्ट रियक्शन होता है क्या पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि react, तो हमें क्या लेना, है? तो लेना ही पड़ेगा तभी ये हेच बाहर जाएगा उसी जगह क्लोरिना के रिप्लेस करेगा बेटा दिस इज अ वेरी क्लियर कट मेकानिजम ऑफ एस एन टू वेरी क्लियर कट मेकानिजम ऑफ एस एन टू ओके ना

सेस कंपलसरी है क्योंकि प्राइमरी ऑल्सो मीडियम रिएक्टिव है अगर आप टर्शरी आल्हल यूज किया अगर आप टेरशरी आल्हॉल यूज किया बेटा जनरली रूम टेम्परेचर पे आपको रिएक्शन मिलेगा यू डोंट है प्रॉब्लम इज इट इज मोर रिएक्टिव ओके ना इफ दोनों पॉजिबल नहीं है इफ वन इज मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव रिएक्शन पॉजिबल होगा कि नहीं इट right? तो प्राइमरी केसेस में दोनों लेस रिएक्टिव है सेकेंडरी केसेस में थोड़ा यह वाला अच्छा रिएक्टिव है फिर भी आपका जेड का रिक्वायरमेंट है बट टी केसेस में सी का रिक्वायरमेंट नहीं है द रीजन क्या है ये हाईली रिएक्टिव ये हाईली रिएक्टिव तो ईजिली आपको प्रोडक्ट देगा समझ में आना सर तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एक बार देख लो प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल दोनों के लिए HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 चाहिए तभी आपको प्रोडक्ट मिलता है सिंस दीज आर लेस रिएक्टिव टर्शरी अल्कोहल के लिए सिंपल ऑफ HCl ऐड करो रिएक्शन आपको मिलेगा ZnCl2 का रिक्वायरमेंट टर्शरी अल्कोहल पे नहीं है सिंस इट इज मोर रिएक्टिव नो नीड ऑफ एनी कैटालिस्ट इतना तो समझ में आना बेटा चलो देयर आफ्टर

प्राइमरी ल्यूकास रिएजेंट रिएक्शन आपको उतना जल्दी मिलता है क्या उतना जल्दी मिलता है क्या ल्यूकास रिएजेंट मतलब क्या सर एच सी एल प्लस एनहाइड्रस जेडनसीएल सेम ल्यूकास रिएजेंट में टर्शरी केसेस में भी यूज किया देखो तो वेरी सिंपल लॉजिक है ये वाला मोर रियक्टिव ये वाला मोर रियक्टिव मतलब ये लूकॉस रिएजेंट इतना इमीडिएटली रिएक्ट होता है तो इमीडिएटली आपको प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते कि नहीं, right? so immediate नहीं है उतना लेस पॉसिबिलिटी नहीं है तो so इंटरमीडिएट है प्राइमरी केसेस में आपको प्रोडक्ट मिलता है क्या राइट नो प्रोडक्ट नो प्रोडक्ट वेर एज सेकेंडरी केसेस में इट कम्स प्रोडक्ट आफ्टर सम टाइम फ्टर समाइम प्रोडक्ट विल गेट आफ्टर सम टाइम यू गेट द प्रोडक्ट सो दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा क्लाउडी आर टर्बिडिटी फॉर्म्स जनरली वेन प्रोडक्ट गेट इट गिव टर्बिडिटी अगर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होते वो क्लियर सोल्यूशन ही होगा अल्कोहॉल में कन्वर्ट इन टू टर्बिडिटी आर नॉट डिपेंड्स अपॉन द रियक्टिविटी देख लो आपको टर्सरी में इमीडिएटली प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इमीडिएटली प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है मतलब इमीडिएटली आपको क्लाउडी नेचर मिलेगा

भी कर सकते अगर उन्होंने थ्री अल्कोहल बॉटल्स गिवन टू यू थ्री अल्कोहल अल्कोहॉल तो हमें आइडेंटिफाई करना है तो मैं क्या किया ये पर्टिकुलर बॉटल को ल्यूकास रिएजेंट ऐड किया अगर आपको टर्बिडिटी इमीडिएटली अपीयर्स टर्बिडिटी इमीडिएटली अपीयर्स इमीडिएटली ओके ना इमीडिएटली आपको टर्बिडिटी आया बेटा इसका मतलब रिएक्शन हुआ जल्दी रिएक्शन हुआ तो इमीडिएटली टर्बिडिटी आया मतलब ये बॉटल में कौन है टर्शरी अल्कोहल ये बोल सकते ओके ना सेकंड बॉटल को भी मैं ल्यूकास ऐड किया आफ्टर फाइव टू सेवन मिनट्स टर्बिडिटी अपीयर्स देन आई कैन से दिस दिस बॉटल इज हैविंग सेकेंडरी अल्कोहल तो ये बॉटल को भी मैं ल्यूकास रिएजेंट ऐड किया नो टर्बिडिटी नो टर्बिडिटी और नो क्लाउडी देन आई कैन से इट इज अ प्राइमरी अल्कोहॉल दिस इज अजर यूज ऑफ लुकॉस रियजेंट समझ में टर्शरी पे इमीडिएट सेकेंडरी पे फाइव टू सेवन मिनट्स के बाद आपको टर्बिडिटी अपनी होते तो ये बेसिस पे हम टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहॉल को डिस्टिंग्विश कर सकते समझ में है ना सो दिस इज वन

तभी रिप्लेस होगा आर आई फॉर्म होगा समझ में आया कि नहीं द लॉजिक बिहाइंड विल विल नॉट टेक टेक डायरेक्ट एंड दिस सिंस दे बिहाइंडली रियक्टिव स्टोर रूड नहीं लेना है इंस्टेंटेनियसली प्रिपेयर करना ही पड़ेगा सो एन एच थ्री पी ओ फॉर एन एर एच टू फोर अभी क्वेश्चन है सर वाई वी यूज एच टू एस वो फॉर हियर वाई वी यूज एच थ्री पी वो फॉर हियर तो इफ आई टेक एच टू एस वो फॉर हियर क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है बेटा ओके okay ना ये दोनों हम क्यों कंबाइन कर रहे हैं टू तो प्रिपेयर एचआई अगर सोडियम आयोडाइड राइट इफ आई यूज सल्फ्यूरिक एसिड इंसटेड ऑफ फास्फोरिक एसिड इफ आई यूज सल्फ्यूरिक एसिड देर इज नो प्रॉब्लम यू विल गेट इनिशियली एचआई बट ये सल्फ्यूरिक एसिड जो भी है वो स्ट्रांग स्ट्रांग ऑक्सिडाइजिंग एजेंट बेटा वेरी स्ट्रांग ऑक्सिडाइजिंग एजेंट जो एचआई फॉर्म हुआ इमीडिएटली ऑक्सिडाइजेस बाय सल्फ्यूरिक एसिड गिव आई2

बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड अगर यूज किया ये सल्फ्यूरिक एसिड एक्टाइज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एच हाँ आई को उन्होंने आई टू पे कन्वर्ट कर रहा है हमको एच हाँ आई चाहिए बट वो एच हाँ आई आपको नहीं मिलता है तो यूज किया दिस इज द लॉजिक बिहाइंडिस हाँ इसमें भी सेम स्टोरी सर अगर आप प्राइमरी अल्कोहॉल यूज किया आपका मेकेनिज्म क्या होगा एस एन टू सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल यूज किया आपका मेकेनिज्म क्या होगा एस एंड वन समझ लो इसका मेकानिजम पे ज्यादा राइट फोकस मत करना क्योंकि इस पर ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन ही नहीं है अभी तक नीट पे तो हम फोकस करना ही बस लुकास रिएक्शन प्राइमरी से कैसे रिएक्ट uh, ले रहा है एच आई केसेस में क्या मिक्सचर ले रहा है इसका रीजन क्या है ये रीजन पे फोकस करो बस इतना है ओके सिमिलर क्लियर है ना एच के लिए कैटलिस्ट चाहिए एच बी के लिए इंस्टेंटेनियसली हम प्रिपेयर करना ही पड़ेगा डन देन आफ्टर विथ पी सी थ्री एंड पी फाइव पहले पी थ्री आर यू कैन टेक पी आर थ्री आर यू कैन टेक पी आई थ्री ऑल्सो चलेगा रिएक्शन विथ पी सी एल थ्री पी बी उन्होंने ऐसे देते बेटा क्योंकि रेड फॉस्फोरस प्लस हैलोजन आल्सो विल गिव पी सी एंड पी है ना

जमेंट so SN2. So SN2 रे नहीं होते बेटा नो री अरेट नो री अरेजमेंट इनकेस पीसीएल थ्री एंड पीसीएलोजन टू मेके बस ओके ना इतना ही ध्यान दे दो बस नेक्स्ट सर

इतना से आप प्रिपेयर किया अल्केल क्लोराइड और अल्केलाइड अल हेलाइड द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्केल क्लोराइड इज विथ थायोनाइल क्लोराइड दिस इज द बेस्ट मेथड इसका रीजन क्या है व्हाई आई टोल्ड द बेस्ट मेथड सिंस बाय प्रोडक्ट्स आर गैसेस आपको अल्केल क्लोराइड को प्यूरिफिकेशन करने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है डायरेक्टली आपको मिलता है समझ में अगर

एसन टू है तो क्या होगा इनवर्शन एस वन है तो क्या होगा रेसमिक मिक्सर वन एस वन है तो रेसमिक मिक्सर है ना रेसमिक मिक्सर मिलता है बेसिकली राइट एस आई देखो ये आई बेटा दिस इज एस एन आई एस एन है तो रिटेंशन आएगा रिटेंशन मतलब सेम प्रोडक्ट आएगा सेम प्रोडक्ट आएगा अगर सम, सम राइट समझ लो मैं जस्ट छोटा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं अगर आपका रिएक्टेंट आर है

एस एन आई आर कम्स आर ओनली दिस इज कॉल्ड रिटेंशल अगर आपका मैकेनिज्म अगर आपका मैकेट गिवस आर प्लस दिस इज कॉल्ड एस रेसिमिक मिक्सर आर प्लस एस मिक्सर समझ में आया बेटा दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग हियर एस एन टू ए तो इन्वर्शन एस एन वन ए तो रेसमिक तो रिटेंशन दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल थिंग इतना लेवल पे आप काम कर लो चलेगा डन चलो बेटा सो प्रिपरेशन ऑफ आल्हेल हैल्काहॉल से एच बी आर से रियक्ट विर थ्री पी आई थ्री पीसीएल क्लोराइड आउट ऑफ मेथड इज क्लोराइड क्यों इट इज द बेस्ट मेथड ॉब्लम इजोल आपको मिल रहा है इट इज प्यूर सिंह चलो नेक्स्ट बेटा सेकेंड प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन दिस इज कंप्लीट हाइड्रोकार्बन रिविजन मिलता है बेटा इधर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन इसमें ऑप्शन वन फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बाई सी एल टू आर बी आर टू इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर यू लाइट तो क्लोरिनेशन आर ब्रोमिनेशन बोलते हैं हम क्लोरिनेशन आर ब्रोमिनेशन इफ यू डू ऑन हाइड्रोकार्बन दट इज अडिकल सब्सिट्यूशन ओनली आप देख लो इधर वेरी क्लियर कट कॉन्सेप्ट बेटा अगर आपके पास ब्यूटेन है अगर आपके पास ब्यूटेन है यू आर रियक्टिंग विथ क्लोरिन बाय सनलाइट वन इक्वेलेंट रिएक्टिंग क्लोरिन बाई सनलाइट वन इक्वेलेंट आपको पता है ये क्लोरिनेशन डिपेंड्स अपॉन दी टाइप ऑफ हाइड्रोजन देख लो ये जो कार्बन है प्राइमरी कार्बन ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन ये कार्बन भी सेकेंडरी है ये कार्बन भी प्राइमरी है तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन यू हैव हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन टू टाइप्स एक प्राइमरी टाइप है एक सेकेंडरी टाइप है टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इसका मतलब दिस क्लोरिन कैन सब्सिट्यूट प्राइमरी वन टाइम सेकेंडरी वन टाइम सो दो प्रोडक्ट्स आपको आ सकते हैं ना बेटा देख लो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी देखो क्या हुआ क्लोरीन जाके एक प्राइमरी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया एक कॉन्सेप्ट है दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा क्लोरीन जाके एक सेकेंडरी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते ये वाला वैसे सो so, कितना प्रोडक्ट आपको मिलता है दो प्रोडक्ट मिलता है डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन समझ में आए कि नहीं देख लो और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं ये वेरी फेमस क्वेश्चन है एनसीआर है अब देख लो अगर मैं को सेम सनलाइट वन यूज किया तो हाउ मेनी प्रोडक्ट यू विल गेट क्लोरिनेटेड इट डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पहले भी बोला इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन अबारा काम क्या है ये कॉम्पोंड में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन थे

सेम लेते हैं वो गलत है क्योंकि दीज टू आर कनेक्टेड टू विच कार्बन टर्सरी कार्बन ये प्राइमरी कनेक्टेड टू विच कार्बन सेकेंडरी कार्बन मतलब ये प्राइमरी अलग है ये प्राइमरी अलग है ये दोनों अलग अलग है समझ लो दिस इज सेकेंडरी दिस इज टर्सरी तो अब देखो दिस इज वन टाइप दिस इज वन टाइप दिस इज वन टाइप दिस इज वन टाइप सो टोटल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन यू हैव फोर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन सो इधर आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा इधर आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा एंड एक, एक चार मिलता है समझ ये अलग है ये प्राइमरी अलग है ये सेकेंडरी तो चार प्रोडक्ट आएगा बेसिक लेवल पे चार प्रोडक्ट आएगा वो क्या है देख लो एक बार मैं लिख रहा हूँ सर इधर एंड आफ्टर दैट अगर उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा इंक्लूडिंग स्टीरियो मतलब हमें मिरर इमेजेस को भी इंक्लूड करना है देख देख के चलो पहले मैं ये primary का एक लिख रहा लो देखो इसमें कुछ काइरल सेंटर दिख रहा है क्या ये वाला काइरल है क्या काइरल मतलब क्या बेटा चार डिफरेंट ग्रुप्स होना चाहिए कार्बन के पास तो ये chiral नहीं है ये येल नहीं है ए भी कैरल नहीं है देखो दोनों मितल है

अगर उन्होंने इंक्लूडिंग स्टीरियो क्वेश्चन पूछा नीट लेवल पे इंक्लूडिंग स्टीरियो क्वेश्चन नहीं हमें अभी तक नहीं देखा अगर उन्होंने गलती से इंक्लूडिंग स्टीरियो पूछा तभी क्या करना है बेटा वैसे कैरल सेंटर ढूंढना है इसका इमेज भी हम काउंट करना ही पड़ेगा ओके ना चलो अगर उन्होंने इंक्लूडिंग पूछा सीधा साधा नॉर्मल क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं करना है सिंपल जाके बस जितना आपको हाइड्रोजन दिख रहा है उतना chlorine substitute करके लिखना है बस इतना चलो next, tertiary पे एक substitution कर लो CH3, CCL, CH3, CH2, CH3. अब बता ना बेटा इसमें तो कैरल सेंटर नहीं दिख रहा है मेरे को एक है क्या दो मीते नहीं है।, एक है क्या नहीं है चलो इट इज वन अब देखो लास्ट ये दोनों प्राइमरी के रिलेटेड एक प्रोडक्ट आएगा आपको चलो लिखो सी एच थ्री सी एच सी एच टू सी एल राइट सी एच टू सी एच थ्री अब बताना इधर भी मेरे को देख रहा है। है? ये वाला देख लो ये कार्बन हैविंग वन हाइड्रोजन मिथाइल सी एच टू सी एल है ना तो इसका एक मिरर इमेज निकालो तो कितना देख लो अगर इन्होंने इंक्लूडिंग स्टीरियो पूछा वन टू 3, 4, 5, 6. कितना मतलब उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा बोल के नॉर्मल क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आपका आंसर चार ही होगा बस इतना है okay ना बेटा तो दिस इज अबाउट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन फ्री रेडिकल बाय क्लोरीन और ब्रोमीन नेक्स्ट सर फ्रॉम ऑलकिंग्रॉम ये बेटा आप

गेट सी एच थ्री सी एच एक्स सी एच थ्री ये भी एक कॉन्सेप्ट है अगर सेम रिएक्शन सेम रिएक्शन उन्होंने कुछ मेंशन किया जैसा पेरॉक्साइड बोल के एंड इधर एक्स क्या देना है वो टाइम पे पेराक्साइड केस में केवल एच बी आर ही काम करते राइट रिमेनिंग हाइड्रोजन विल नॉट वर्क इन द केस ऑफ पेरोक्साइड ये ध्यान से राइट इंपॉर्टेंट बेटा ओनली एच बी आर देना है

कलरलेस समझ में आए ना यूज टू टेस्ट फर अनसेन ये भी एक रिएक्शन है उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट हियर एक्सचेंज रियक्शन एक्सचेंज रियक्शन इसमें वेरी इंपॉर्टेंट आपको मिलता है क्वेश्चन ज्यादा मत करना इधर

पीपीटी हो जाएगा इन एसिटोन क्योंकि एसिटोन इज ए नॉन पोलर सोडियम ब्रोमाइड इज ए पोलर समझ में ये सॉल्युबल नहीं होगा पीपीटी पीपीटी अगर PPT में कन्वर्ट हो गया रिएक्शन फेवर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लीस आटी प्रिंसिपल समझ में आया कि नहीं द लॉजिक बिहाइंड द एसिटोन अगर मैं एसिटोन यूज किया जो बाई प्रोडक्ट मिला बेटा एनियर इज पोलर एसिटोन इज नॉन पोलर ये इसमें सॉल्युबल नहीं होते है.

बाकी केसेस में आपको ऑल ऑलकलाइड उतना नहीं मिलता है समझ लो बेटा क्यों किया सेपरेटली प्रिपरेशन सिंस यू दूसरा स्वार्ट्स रिएक्शन स्वार्ट्स रिएक्शन मेनली फॉर व्हाट फ्लोराइड्स अल्काइल फ्लोराइड रिएजेंट हम क्या यूज करते हैं देख लो यू टेक आर बी आर 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 सी री सिल्वर फ्लोराइड यूज कर सकते एच जी टू एफ टू यूज कर सकते सीवो एफ टू यूज कर सकते एंड शायद इतना है आ, और एक भी है फ्लोराइड भी यूज कर सकते ओके ना सो दीज मेनी फ्लोरिडेटिंग एजेंट्स ये क्या करता है सर ब्रोमिन को रिप्लेस करना फ्लोरिन से ब्रोमिन को रिप्लेस करना सेम डिथेल सल्फोक्साइड हम यूज करते इधर सॉल्वेंट तो ब्रोमिन विल गेट एफ

हेलो एरिंस का अभी तक जो डिस्कस किया हेलो ऑल का अभी हेलो एरिंस का प्रिपरेशन बेटा हेलो एरिंस में बेसिकली आ, इसमें कुछ हेलो ऑलकेन्स का भी इंक्लूड करते कोई बात नहीं फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन पर सपोज आपके पास टॉलिन है मान लो सो यू नो दैट दिस सीएच इज हाईली एक्टिवेटिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन अगर आप क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ एफ और एफ किया

देख लो एक्सप्लेन टू यू अगर आपके पास सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू दिस इज एनविंग एल आई लि कार्बन देख लो दिस इज कॉल्ड कार्बन अंडरस्टैंड अगर आप ब्रोमिन बायमिन बाईट यूज किया तो वेन एलआई कार्बन कंटेनिंग ब्रोमिन बाई सनलाइट आर यूट आर एनबीएस

you will get here for suppose i'll just take an ethyl benzene ethyl benzene same reagents of use karo nbs nbs or bromine by uv light or chlorinate high temperature same same reagents sir so which carbon sa hydrogen substitute hoga free radically benzylic carbon that means benzene connected carbon allylic carbon double bond connected carbon is this is allyl allylic carbon ट सर बेनजाइलिक कार्बन बेन्बन यह कार्बन से हेलोजन होगा तो यू विल गेटिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके ना इन द प्रिपरेशन ऑफ है डन देअर so okay, आप डाइजोनियम सब भी प्रिपेयर कर सकते राइट right? डाइजोनियम आपको कैसे मिलेगा एनिलिन राइट right? when i react with sodium nitrite plus hx at 0 to 5 degree celsius kya milega sir nh2 will convert to n2 plus diazotization azotization bolte hai isko it's quite stable at this temperature acts as a good intermediate also this diazonium chloride aap dekh lo beta Sandmeyer Gatterman gutterman है ना याद है कि नहीं देख लो याद आना चाहिए सैंड मेयर गटरमन क्या लॉजिक है अगर आप कॉपर प्लस वन स्टेट पे यूज किया

ब्रोमो, ओके ना? सो बेसिक डिफरेंस दिस इज कम्स अंडर मेयर, दिस इज कम्स अंडर राइट? मेयर, दिस इज कम्स अंडर गटर बॉड इज डिफरेंस? ऑक्सीडेशन स्टेट कापर का ऑक्सीडेशन स्टेट उधर प्लस है इधर कापर का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है सेकंड इज ईल्ड कहां ज्यादा मिलता है आपको सैंडमेयर पे ईल्ड इज वेरी वेरी मोर ग

एन टू प्लस बी एफ फोर माइनस आएगा दिस इज इसको थोड़ा हीट कर लो क्या होगा बेटा ये fluoride जाके group को रिप्लेस करेगा you will get fluorobenzene plus byproducts BF3 plus N2. ये मिलेगा दिस इज कॉल्ड एस बॉल्ज स्कीमैन रिएक्शन समझ में ना बेटा सो दिस इज राइट कंप्लीट डाइजोनियम कॉन्सेप्ट clear so chalo beta these are the right preparations of halo uh, alkenes and halo erins, right little important reaction now move to the uh, properties of halo alkanes and halo erins, chemical properties right basically three types of chemical properties we need to discuss in that right two properties to very important properties beta one is nucleophilic substitution reactions dusra रियक्शन एंड तीसरा क्या है विथ मेटल्स विस्ट हमारा क्या है न्यूक्लियोफिलिक्सिट्यूशन दिस इज गोइंग टू बी अवर फोकस तो बेसिकली क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन मतलब क्या है राइट इट इट डिवाइडेड टू हाउ मेनी टाइप्स बेसिकली डिवाइडेड टू यस एन टू एस एन वन एस एन आई बेसिकली बेसिक लेवल पे मैं बात कर रहा हूं हमारा नीट लेवल पे सो so, पहले न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लोफिलिकब्सिट्यूशन मतलब है क्या बेसिकली क्लोराइड रिएक्ट विद एनी न्यूक्लियोफाइल ओके ना इट मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ दिस लिविंग ग्रुप तो ये जाके क्या करता है इधर अटैक होगा क्लोरीन बाहर जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल सब्सिट्यूटिंग दी हैलोजन तो हैलोजन का जगह कौन सब्सिट्यूट हो रहा है

सो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज टू काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन इज टू सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंडेड है न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन पे ऊपर भी डिपेंडेड है तो मतलब क्या है दिस इज अ सिंगल स्टेप नो इंटरमीडिएट सिंगल स्टेप नो इंटरमीडिएट ओके ना ओनली ट्रांजिशन स्टेट इज पॉसिबल इंटरमीडिएट पॉसिबल ही नहीं है ओके okay? तो ये क्या है देख लो एक सिंपल स्टोरी से मैं एक्सप्लेन करता हूं आर एक्स

ये पहले थोड़ा स्लो चलता है उसके बाद यह फास्ट चलता है न्यूक्लियोफाइल आर पे अटैक होगा एंड विल बाहर जाएगा दिस इज द प्रोडक्ट मिलता है समझ लो दिस इज़ बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एस एन टू तो इसमें अटैक ऑलवेज बैक साइड सर अटैक ऑलवेज बैक साइड अटैक होगा फ्रंट साइड अटैक पॉसिबली नहीं है सेकंड कॉन्फिगरेशन क्या होगा इन्वर्शन

बेसिक लेवल बेसिक फंडामेंटल थिंग पे आप काम कर लो इतना इजी है okay? is तो कहां अटैक करना है बेटा इधर इधर एंड इधर एंड इधर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है दिस इज न्यूक्लियोफाइल शुड अटैक फ्रॉम बैक साइड व्हेन न्यूक्लोफेल अटैक

राइट दिस इज मोर क्राउडेड बोल सकते हैं क्या मोर क्राउडेड मोर क्राउडेड तो रिएक्टिविटी कम है लेस क्राउडेड तो रिएक्टिविटी ज्यादा है वेरी सिंपल तो एस एन टू के लिए यही देखना है न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है बैक साइड अगर कार्बन आपको लेस क्राउडेड दिख रहा है इजीली अटैक मोर क्राउडेड दिख रहा है लेस पॉसिबिली नहीं है तो विच इज मोर रिएक्टिव टूवर्ड एस एन टू दिस इज अबाउट

ज गुड लिविंग इजिली ब्रेक होगा तो विच इज मोर रिएक्टिव आर आई आर बी आर आर सी एर इज बेस्ड ऑन एनर्जीन समझ में आया क्या रिएक्टिविटी टू वर्ड टू क्या बेसिस पे हम डिसाइड करना है गुड लिविंग ग्रुप आई माइनस ओके ना तो गुड लिविंग टेंडेंसी लिविंग टेंडेंसी बात कर रहा हूं आई माइनस देन बी आर माइनस देन सी एल माइनस देन एफ माइनस

बेसिक लेवल ये वाला ओके ना इज कायरल कार्बन आर नॉट यस कायरल कार्बन हैविंग फोर डिफरेंट ग्रुप्स क्राउडेड उतना भी क्राउडेड नहीं है लेस क्राउडेड चलो कुछ अच्छा ये लिखते अच्छा ही होगा ऐसा लिख सी एच थ्री सी डी एच क्लोरिन बेटर इज यस येरल

ओके okay ना अभी जब ओएच OH इधर आ रहा है सर दिस मिथल फेसिंग द रिपल्शन फ्रॉम द ओएच OH, तो इनवर्सन हो जाएगा तो दिस सी एच विल शिफ्टेड टू तो दिस साइड देख लो डी एच सी एच थ्री इधर क्लोरीन बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहा है दिस इज हैपनिंग तो अभी ये प्लेन में आ गया पहले ऐसा नहीं ऐसा है बेटा मिथल ये वाला लेफ्ट साइड है बिकॉज ऑफ ओ कमिंग ये मिथल शिफ्ट हो गया मिथल शिफ्ट हो गया क्योंकि रिपल्स समझ में चलो अभी ओ एच विल कनेक्टेड फास्ट राइट ओ एच सी डी एच सी एच थ्री प्लस सी एल बाहर गया अभी देखो ये जो कॉम्पाउंड है ये जो कॉम्पाउंड है दोनों में क्या डिफरेंस है ये डिफरेंस समझना है बेटा आर एस कॉन्फिगरेशन थोड़ा तो पता है ना बेसिकली तो आर एस को यूज करके आप क्लियरली बोल सकते हैं

आर कन्वर्टेड टू यस इसका मतलब क्या है कॉन्फिगरेशन रिवर्स हो गया इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन दिस इज कॉल्ड एस इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन इट इज एक्सप्लेन बाई द साइंटिस्ट वॉल्डन इसलिए इसको वॉल्डन इन्वर्शन बोलते हैं आर ए तो ये में कन्वर्ट होगा एस ए तो आर में कन्वर्ट होगा दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ यस एंड टू तो वेरी सिंपल एस एन टू में न्यूक्लोफेल ऑलवेज अटैक फ्रॉम बैक साइड वो कार्बन लेस क्राउडेड है तो न्यूक्लोफेल अटैक इजीली फिजिबल है मोर मोर फिजिबल है 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 रिएक्टिव अगर ज्यादा क्राउड दिख रहा पॉसिबल नहीं तो दिस इज द बेसिक थिंग यू फॉलो सेकेंड इज स्टीरियो केमिस्ट्री एस एन टू में ऑलवेज कॉन्फिगरेशन इन्वर्ट होता है रिवर्स होता है तो वेरी सिंपल वे दिस दिस इज अम्ब्रेला टाइप बेटा इधर से न्यूक्लोफेल अटैक हो रहा है जो भी ग्रुप्स है इधर ये न्यूक्लोफेल से रिपल्शन होगा ऐसे बैक जाएगा ना दिस इज कॉल्ड एज इनवर्शन राइट लाइक दिस सो जो भी मिथाइल है ऐसा है पहले जब न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक हुआ दिस मिथाइल विल मूव दिस साइड इनवर्ट हो गए अम्ब्रेला इनवर्ट होता है ना जैसा समझ लो अंडरस्टैंड सो दिस इज द बेसिक लेवल एसएन2 कांसेप्ट है रिएक्टिविटी एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री सिमिलरली एसएन1 एसएन1 मींस यूनिमोलेक्यूलर इसमें एक ही मोलिक्यूल इनवॉल्व होता है क्योंकि रेट न्यूक्लियोफेल पर डिपेंड ही नहीं है ओनली so सबस्ट्रेट पे डिपेंड है तो इट इज फॉलो फर्स्ट आर्डर कैनेटिक्स इसमें दो स्टेप होता है इट इज अ टू स्टेप

स्टेप टू फास्ट अटैकिंग ऑफ दलियो फाइल स्टेप टू फास्ट अटैकिंग ऑफ दिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल इतना तो क्लियर सिंपल देख लो तो स्टेप वन में सेल्फ आइनाइज स्टेपिंग ऑफ न्यूक्लियो चलो आई एक्सप्लेन लिटिल एग्जाम्पल बेसिक एग्जाम्पल चलो मान लो मेरा पास टर्शरीइड है तो स्टेप वन में क्या होगा आर डी एसनाइजेशन मतलब दिस कार्बन टू क्लोरिनर्स्ट ब्रेक्स इट सेल्फ यूजिंग मीडियम पोलार कोलार मीडियम चाहिए पोलार मीडियम ब्रेक करेगा राइट कार्बन डू क्लोरिन बॉन्ड विल ब्रेक तभी आपको क्या मिलता है सर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिस इज कार्बो कैटायन विच इज प्लेनार मोलिक्यूल कार्बो कैटायन फॉर्म होगा देन यूल गेट सी माइनस देख लो दिस इज अनार्टचर है चांस टू अटैक बाई द साइड फ्रंट एंड एज वेल एज बैक समझ में आया कि नहीं

So फ्रॉम बैक साइड from गेट हियर what एच सी get here? थ्री OH, C, CH3, थ्री CH3, CH3. Our थ्री आर फ्रंट साइड आपको मिलता है बेसिकली एस एन वन का बेसिक फंडामेंटल थिंग तो एस एन वन पे क्या है आर डी एस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अटैकिंग द बैक साइड तो कॉन्फिगरेशन आपको इन्वर्शन भी मिलता है रिटेंशन भी मिलता है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है तो ये जब भी कार्बो कैटायन फॉर्म होता है बेटा राइट यू हैव चांस फॉर रीअरेंजमेंट चांस फॉर रीअरेंजमेंट ये बात राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर ध्यान से राइट right? फोकस करना चांस फॉर रिअरेंजमेंट चलो इसमें बेटा मैं रिएक्टिविटी का बात कर रहा हूं रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन वॉट रिएक्टिविटी ऑफ एस एन वन वेरी क्लियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्योंकि इंटरमीडिएट क्या है कार्बो तो कैटायन उसी पे ऊपर डिपेंड होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ एस एन वन

तो टर्शरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन मीथेन आप ये बोल सकते हैं सिमिलरली इफ यू टेक डिफरेंट अल्कोहल हैलाइड्स आर एक्स एंड आर एंड आर एंड आर इन चारों में कंपेयर करना राइट तो बेसिकली विच इज लिव इजीली आर लिविंग टेंडेंसी किसका ज्यादा है आई सिंस बॉन्ड एनर्जी ऑफ आर इज वेरी वेरी लेस तो ये इजीली ब्रेक कर सकते तो सेल्फ आइनाइजेशन आपको आरआई पे ज्यादा इजी है देन आरबीआर देन आरसीएल देन आरएफ तो ये सन वन का रिएक्टिविटी यही बेटा अगर आप क्लियर कट स्टीरियो केमिस्ट्री का बात करना है इधर तो स्टीरियो केमिस्ट्री स्टीरियो केमिस्ट्री यू हाउ टू टेक ए कायरल सेंटर मॉलिक्यूल देख लो आई विल टेक ए टर्शियरी कार्बन हैविंग फोर डिफरेंट ग्रुप्स कायरल सेंटर

सी टू एच फाइव सी थ्री एच सेवन प्लस कार्बो कैट प्लेन आर एंड इट कैन बी लो यू हैव द यू हैव चांस ऑफ अटैक द न्यूक्लियोफाइल फ्रंट एंड एज वेल एज बैक चलो मान लो OH माइनस इज अवर न्यूक्लियोफाइल इफ इट इज अटैकिंग फ्रॉम बैक साइड इफ इट इज अटैकिंग फ्रॉम बैक साइड क्या होगा इसी जगह आपको OH मिलेगा

ये लास्ट ईयर क्वेश्चन है रेस्मिक मिक्सर का व्हाट इज रेस्मिक मिक्सर इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ एनांशियोमर्स आर 50-50 रेशियो ऑफ एनाशियोमेरिक मिक्सर आर वी कैन से वन इज वन रेशियो ऑफ एनांशियोमेरिक मिक्सर सो ऑल दिस कम्स अंडर

So, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे एंड रजिस्टर एवरीबडी आया बी पी सी बी आधार थ्री पॉइंट जीरो राइट थिंक नीट थिंक आया बी